बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे मैंने कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर सबको ब्रीफ करूंगा, तो उस हवाले से मैं आज ये आप सबके सामने गोशगुजार हूँ। नंबर वन, मैं कुछ चीज़ें सबको क्लेरिफाई करना चाहता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। ये कोई आज प्रपोज नहीं की गई, या ये इस कमेटी ने एज सच प्रपोज करके कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं कर रहे। इसका एक ड्यू प्रोसेस जो कि सारा कंप्लीट किया गया था, उसके तहत ये सारा काम हुआ है। और मैं जो कि हमारे दोस्तों को नहीं पता, सीनियर्स जूनियर्स को नहीं अंदाज़ा, एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है कि जी ये आज हो गया, ये कल कर दिया, ये किसी एक बंदे के लिए कर दिया। तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा सबको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि इसकी क्या हिस्ट्री है और इसके ऊपर हमने क्या मेहनत की है और इस प्रोसेस को किस तरह हमने कंप्लीट किया। तो इसके अंदर नंबर वन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो थी, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये 2016 एंड 2018 की एजीएम में ये अमेंडमेंट्स दी गई थी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन अमेंडमेंट्स में दो ग्रुप्स ने ये अमेंडमेंट्स दी थी। जिसमें से एक ग्रुप जो था उसमें ये हमारी तरफ से थी, जिसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और बाकी और कुछ तदाब थी इसके अंदर। उसमें एक तो जो ऑनरी सेक्रेटरी हैं उनका नाम चेंज करने की हमने दी थी कि इसको कोऑर्डिनेटर कहलाया जाए, बिकॉज देर इट गिव्स अ इम्प्रेशन कि एक सेक्रेटरी जो है वो इलेक्टेड पोजीशन है। और इसके अंदर हो ये रहा था कि जो दुनिया में आप कोई भी यूनियंस देखें, उसके अंदर एक सेक्रेटरी की पोजीशन जो है उसको दो सेक्रेटरी यहाँ क्रिएट कर दिए गए एक ऑनरी सेक्रेटरी का नाम देकर। उससे होता क्या है कि जब दुनिया में कहीं भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, तो वो जब एक ऑनरी सेक्रेटरी उसको साइन कर देता है, देन देर इज़ नो नीड फॉर एन इलेक्टेड सेक्रेटरी टू साइन, एंड समबडी हु इज़ रीडिंग दैट डॉक्यूमेंट फील्स कि ये वहाँ का कोई इलेक्टेड सेक्रेटरी होगा या ये वहाँ का इलेक्टेड सेक्रेटरी है जो कि हमसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है या बातचीत कर रहा है। तो ये एक गलत इम्प्रेशन, जो कि इलेक्टेड सेक्रेटरी तक चीज़ें आती ही नहीं थी। तो ये किसी एक फर्द के लिए नहीं, उस पोजीशन के लिए प्रपोज किया गया था कि उसका नाम कोऑर्डिनेटर कर दिया जाए। तो इसके अंदर ये भी हमारे ग्रुप की तरफ से तजावीज़ थी, ये मेरा नाम इस पर लिखा हुआ है, मेरी तरफ से थी, अहमद छेछर साहब की तरफ से थी, एक्स सेक्रेटरी जो रहे हैं मंसूर फिरोज़ खान साहब की तरफ से थी, जो कि एक्स सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे ग्रुप से। मतलब हमने ये काफ़ी इसके अंदर प्रपोजल्स दी। फिर उसके अलावा एक प्रपोजल्स थी ये जो कि दी गई राणा असद साहब की तरफ से, डॉक्टर अब्दुल बासित साहब की तरफ से, डॉक्टर सलमान काजमी साहब की तरफ से, लेट हमारे बड़े भाई फरूख हयात पन्नू साहब की तरफ से। उसके अंदर जो डिफरेंट गुजारिशात थी, इन सब को हमने मीटिंग का हिस्सा बनाया। जिस तरह उनकी एक सजेशन ये भी थी कि जॉइंट सेक्रेटरी की दो सीटें हो, एक मर्द की हो एक औरत की हो, और इस पॉइंट को लेकर हमने इनकी जो बाकी सजेशंस भी थी ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग में रखी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, ये फॉर्म किस तरह हुई। ये दो एजीएम्स के डिसीजन में ये कमेटी फॉर्म हुई थी, और 2016 में भी जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने कमेटी फॉर्म कर दी थी, बट 2016-18 की कमेटी उस पर कोई काम ना कर सकी अपनी मसरूफियत या मजबूरी किसी वजह से। फिर 25 नवंबर 2018 को पहली एजीएम जो थी
वो थी डेटेड 11 दिसंबर 2016, दूसरी ये नवंबर 25, 2018। अब इस कमेटी के अंदर भी उस दिन अहमद छेछर साहब ने हाउस के अंदर गुजारशात पेश की, जिनके बारे में काजी अफाक साहब जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर कमेटी फॉर्म करके इन अमेंडमेंट्स को फाइनलाइज करें और इसको आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने इसके ऊपर फिर क्या काम किया। हमने फर्स्ट जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग, उसमें एजेंडा नंबर वन, पहला एजेंडा ही हमने इस चीज़ का रखा, ये 14 दिसंबर की हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी जिसके अंदर हमने इस पॉइंट को टेकअप किया और इसके अंदर हमने उसको डिस्कस किया कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दो AGM से आ रही हैं, हम इसको फाइनलाइज करें। और इसके अंदर वो ग्रुप जो हमसे आ रहा है उसकी भी सजेशंस हैं, हमारी भी सजेशंस हैं। बेसिकली ये सब सजेशंस जो हैं यूनियन की बेहतरी के लिए, यूनियन की अच्छाई के लिए, तो हमें इसके अंदर कोई इतराज़ नहीं है। सबको रखा जाए, सबको ऑन बोर्ड रखा जाए और इसके ऊपर काम किया जाए। फिर हमने इसके ऊपर काफ़ी इस कमेटी ने, ये देखें मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी 25 नवंबर को हुई जिसमें ये इस कमेटी ने काम किया। फिर उसके बाद 12 अक्टूबर को भी मीटिंग हुई है, नवंबर में भी हुई है और इसके अंदर हमने ऑल स्टेक होल्डर्स, एक तो जिन जिन की ये दरख्वास्तें थीं उनमें सबको इनवाइट किया। अब आप बोर्ड होके सबको इनवाइट किया कि भाई आप सब आएँ, आके डिस्कस करें, हम इसके अंदर जो भी बेहतरी है वो कर सकें। 7 अक्टूबर की एक मीटिंग है, उसमें भी हमने ये सारी सजेशंस पुट अप की कि इसको किस तरह किया जाए, क्या किया जाए। फिर हमने इसको, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इस कमेटी ने ओवर 4-5 मीटिंग्स के अंदर जो फाइनलाइज की, एक तो हमने सबको स्टेक होल्डर्स को बुलाया कि भाई आप आए, आके अपना फीडबैक दें, किसी कोई ज़ात की हद तक कोई लड़ाई तो कोई नहीं है, हमें एक यूनियन की बेहतरी के लिए जो भी काम कर सकते हैं हम सबको करना चाहिए, मिल के करना चाहिए। तो वो हमने उन सबको बुलाया और उसके ऊपर दे वर सर्टन रिजर्वेशंस ऑल्सो के एक ग्रुप बिल्कुल मानने को ही नहीं तैयार कि जनाब ये हो ही नहीं सकता जी, ये हो ही नहीं सकता भाई, किस तरह नहीं हो सकता, इसके अंदर ये जो मीटिंग है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर ये पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी से पास हुई है, AGM से पास हुई है, इसके ऊपर सारों ने बैठ के डिलिब्रेशन की है, देयर बीन 4-5 मीटिंग्स जिसके अंदर ये डिस्कस हुआ है और फिर उसके बाद इसका एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ जो कि हमने फिर मैनेजमेंट कमेटी के सामने रखा। मैनेजमेंट कमेटी ने भी उसके अंदर उसकी नोक पलक ठीक करके कुछ सजेशंस के साथ एक फाइनल ड्राफ्ट हमने बना लिया और हमने वो फाइनली वो अमेंडमेंट्स कर दी। अब इसके अंदर देर इज़ लॉट ऑफ एक ग्रुप की तरफ से क्रिटिसिज्म है, आई डोंट नो कि इसके अंदर क्रिटिसिज्म करने की बात क्या है, जब इट इज़ फॉर द बेनिफिशियल ऑफ दिस यूनियन तो उसके अंदर नुकसान क्या है। अब मैं अपने नेक्स्ट उसके अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि स्टेप वाइज के कौन कौन सी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। पहले तो मैं ये इमेज जो बना हुआ था उसको क्लेरिफाई करना चाह रहा था कि भाई ये कोई ओवरनाइट नहीं हो गई, इसके अंदर पूरी मेहनत की गई है, इसके अंदर पूरी डिलिब्रेशन की गई है, इसके अंदर एक दफ़ा नहीं कोई कितनी दफ़ा लोग बैठे हैं, इसके अंदर वाइस चांसलर साहब ने भी अपनी एक ओपिनियन पेश की थी, हमने उसको भी उसके मुताबिक हैंडल किया है और इन सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि हमने इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रपोज की हैं और उसका किस तरह इस यूनियन को फ़ायदा है। एंड काइंडली आप स्टे ट्यून्ड एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको उसके ऊपर ब्रीफ करूँगा। थैंक यू वेरी मच।